वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर कुछ दिनों से सांकेतिक प्रदर्शन कर रही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल के बाद यहां की व्यवस्था पर असर पड़ा है। इस स्थिति में यहां के मेट्रेन और सीएचओ ने मोर्चा संभाला है। कोरबा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ कई दिन से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहा है। उसने समान काम के लिए समान वेतन देने पर जोर दिया। कुछ दिन तक काली पट्टी के साथ काम करने के बाद कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लिया। ऐसे में दूसरे विकल्प का सहारा लिया गया। लिटरली जितने भी स्टाफ हैं, करीब करीब 54 स्टाफ थे, सभी लोग छुट्टियों में चले गए हैं। हमारे पास केवल मेट्रन बची हैं और कुछ जो ट्रेनी सिस्टर्स आते हैं और सीएचओ जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं। उनसे हम लोगों ने आपस में एडजस्ट कराया है। एसएनसी और आईसीयू के स्टाफ थोड़े अभी हमारे दूसरे जगह के हैं तो लोग नहीं गए हैं, तो लोग को संभाले हुए हैं। बाकी दूसरी जगह तो पर्याप्त मात्रा में सिस्टम नहीं है, इसकी परेशानी हो ही रही है। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था में इमरजेंसी को चालू रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा सफर नहीं हुआ, अपन कोशिश कर रहे हैं। एक दिन का है तो शायद कैसे भी करके अरेंज कर लेंगे, लेकिन लंबा खींचता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल। फिलहाल एक दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने के साथ व्यवस्था को बाधित करने वाले वर्ग ने चेताया है कि अगर उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। देखना होगा कि 30 दिन के भीतर इनकी मांगों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठाता है। ग्रैंड एसए न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।